नमस्ते ओम शांति। आप सब श्रोताओं का आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल पर सीक द सोल दैट ट्रुथ लाइज विद इन। और इस चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं उनके नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर के बहुत सारे 7-8 डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आप वहां पर छानबीन कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर जो कि आपके लिए अच्छी हैं, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी और आपके दोस्तों के लिए भी अच्छी हो सकती है, आपके साथी संबंधियों के लिए भी अच्छी हो सकती है। सारे टॉपिक्स हैं हेल्थ से रिलेटेड और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी सब कुछ वहाँ पे कवर किया गया। तो आज के ईश्वरीय वरदान में परमपिता कहते क्या हैं इस पर अब आगे बढ़ेंगे। बाबा 249वें दिन के ईश्वरीय वरदान में कहते हैं, बाप के साथ, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से, बाप का हाथ पकड़ के अगर रखें और उनका साथ भी रखें उसकी स्मृति से, मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। विस्तार में जाएंगे, जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है, छोटे में भी आपको याद होगा बड़े के हाथ में हाथ मतलब पिताजी के या माताजी का हाथ पकड़ के, अब किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़ के अगर आप रोड भी क्रॉस करते थे आपको चिंता नहीं होती थी, आप फिक्र में नहीं रहते थे, या उनका हाथ साथ में रहता था हमेशा तो आप हमेशा आगे बढ़ते जाते थे। तो बाबा कहते हैं होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है। तो अगर परमपिता परमात्मा मेरे साथ में है और अगर मैंने अपना ये जो जीवन है जिसमें स्पिरिचुअलिटी में चल रहा हूँ, आध्यात्म में चल रहा हूँ, उसका मैंने अपना सारा का सारा जो भी है परमात्मा पिता के ऊपर मैंने अपना सारा बोझ डाल दिया है, मेरा अलौकिक जीवन उसका परमात्मा रिस्पॉन्सिबल है, तो बाबा कहते हैं उनके हाथ में है अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है कि परमपिता परमात्मा मेरे को इस अध्यात्म के रास्ते पर चलाएं, जैसे चलना है जैसे करना है, जैसे मुझे अपने हिसाब किताब पूरे करने हैं, जैसे मेरे को अपने कर्मों को अपने हिसाब किताबों को सफा करना है ख़त्म करना है, वो सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो, मतलब सारे बोझ है परमपिता परमात्मा के ऊपर डालो और हल्का करो, कैसे होगा कैसे करेंगे कौन करेगा कब लगेगा कितना टाइम लगेगा ये सब कुछ की टेंशन में हमें आना नहीं है, हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं वो हमें चला रहे हैं, चाहे वो दुनियावी जीवन हो चाहे वो अलौकिक जीवन हो परमात्मा का जीवन हो दिव्य जीवन भगवान चला रहे, भगवान ठीक करेंगे, भगवान सब कुछ रिस्पॉन्सिबल है सारी चीजों के लिए। बस सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो, सब कुछ परमात्मा के ऊपर डाल करके अपने आप को हल्का करना। काफी सारे लोग होते हैं कि परिवार में अगर सारे के सारे लोग मेडिटेशन में नहीं होते हैं, सारे के सारे लोग अध्यात्म में नहीं होते हैं तो उनको स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन होता है कि प्रभु मेरे पति को तो आप थोड़ा सा बुद्धि दे दो, मेरे बच्चों को बुद्धि दे दो, तो परमात्मा कहते हैं इसकी भी टेंशन आपको लेनी नहीं है। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। तो परमात्मा का अगर हाथ है और परमात्मा का अगर साथ है हमारे साथ में तो सारा बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन उसमें परमात्मा जो कहते हैं उन सारी चीजों को हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है, तब जाकर के वो हाथ दे पाएंगे, अपना हाथ उठाएंगे तभी तो परमात्मा हाथ पकड़ेंगे और साथ भी उनका हमें महसूस होगा। ये करते कैसे हैं, वो हाथ कैसे पकड़ना है और साथ कैसे मिलना है, ये सब कुछ आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है निःशुल्क, आप जाकर के उस यूनिवर्सिटी में ये सारा ज्ञान ले सकते हैं, आप चाहे किसी भी धर्म के हो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो आज के ईश्वरीय वरदान आपके लिए, आप सुखी रहें स्वस्थ रहें और परमात्मा के हाथ और साथ में रहें। ओम शांति।